हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाली क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में। यहाँ पर आपको क्या जानने को मिलने वाला है? मैंने यहाँ पर आपकी आज SST की क्लास को फॉर्म किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज आपका ये सेक्शन में इसमें एक दो टॉपिक बचे हुए थे तो वो कवर अप हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एक सेट क्लियर होता चले वो आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पर शाली क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी लोग पहली बार नए आ रहे हैं उनका स्वागत है शाली क्लासेस पे। होपफुली आपको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगेगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आपको टाइम और भी बहुत सारी चीज़ें, पोल्स, क्वेश्चन, क्विज है, काफ़ी कुछ मिलेगा, इसलिए आपको वो ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं आज के इस क्लास के। तो यहाँ पर चैप्टर 4 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आपको वैदिक काल के बारे में इन्फॉर्मेशन कर दी थी, क्या है कितनी चीज़ें हैं सब कुछ बताया था। आज जो क्लास पर डिस्कस मैं आपके सामने करने वाली वो है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल से ज़्यादा प्रश्न बनता है, उत्तर वैदिक काल से एक दो प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो हम उन टॉपिक पर भी ज़्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल ना रहे हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। ये एक ही PDF में है, सो आई जस्ट गो दैट पॉइंट। ये यहाँ तक बता दिया था वेदों के बारे में, आपको मैंने अच्छे से बता दिया था। ओके, ये है हमारा आज का पॉइंट जिस पे हमें डिस्कस करना है, वो है पूर्व वैदिक काल। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस क्लास को। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगेगी, बहुत पीसफुली देखेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने चल रही हूँ कि पूर्व वैदिक काल होता क्या है। पूर्व वैदिक काल को फ्रेंड्स ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, अभी भी इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करें कि पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जैसे देखिए कि जो हेडिंग मिली उस हेडिंग में ही आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत मिल गया, क्योंकि कह देगा कि पूर्व वैदिक काल का दूसरा नाम क्या है तो ऋग वैदिक काल। या तो प्रश्न आ जाएगा कि ऋग वैदिक काल किस काल को कहते हैं, तो आपको दोनों के नाम से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आइए ये होता क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। याद आ रहा है मैंने आपको जब वो छोटे छोटे पॉइंट बताया था तब भी उनके टाइम इंटरवल को बताया था। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो ये टाइम इंटरवल रहते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लिखने को तो नहीं आएगा बट ये है कि ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। तब आप अपनी ढेर सारी डेट है तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसके इंपॉर्टेंट जब नोट्स लिखे तो वहाँ पर ऐसे मार्क कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको जब रिविजन करें तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे। तो यहाँ पर है कि पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है, और इस पूर्व वैदिक काल को, इसी पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। यही बात यहाँ पर होगी। उसके साथ यहाँ पर क्या है कि इसके राजनीतिक जीवन, इसके सामाजिक जो फैक्टर हैं, इसका जो आर्थिक फैक्टर है, इसका जो धार्मिक जीवन है, ये बिंदुओं के आधार को समझेंगे। तो मैंने आपको अभी तक इतनी बात बताई कि हम पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और इसमें हमें इनका जो पॉलिटिकल फैक्टर रहा है, इनका जो सोशल फैक्टर रहा है, इनका जो इकोनॉमिक वाला रहा है, ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर रहा है, इनके जो रिलीजियस रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पे हम डिटेल में समझेंगे कि उस टाइम इंटरवल में क्या क्या हुआ करता था। आइए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें, एक एक पॉइंट को देखेंगे आराम से। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं राजनीतिक फैक्टर यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर। ये कैसा रहा है, जैसे कि आज के टाइम पर जो चीज़ें चल रही है क्या उस टाइम पर भी ऐसी हुआ करती थी, यही चीज़ हमें जाननी है। यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में थोड़े थोड़े रूप में राजनीति जीवन की शुरुआत हुई, हमें पूर्व वैदिक काल में देखने को मिलता है। ये कह रहा है कि जो हमने इतनी सारी चीज़ें पास्ट की पढ़ी, प्राचीन भारतीय इतिहास में इंडिया का जो पास्ट हमने पढ़ा अभी तक, थोड़े थोड़े रूप से, बहुत लिटिल अमाउंट में कह सकते हैं, लिटिल बिट ऑफ अमाउंट, राजनीति का जो जीवन रहा है वो की शुरुआत कह सकते हैं, ठीक है। क्या जैसे अब आज के टाइम पर जब से ये नोट बंद हुई, नोटबंदी के बाद से ये कैशलेस खत्म हो रहा है धीरे धीरे, अब सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं एवरीथिंग के लिए, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए सब ऑनलाइन करने लगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हुआ कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़े थोड़े चीज़ों से करके शुरुआत होना शुरू हो गई थी। हमें पूर्व वैदिक काल में ये जो राजनीति का फैक्टर है वो और कालों में इतना नहीं देखने को मिला, क्योंकि सामाजिक तो सब में देखने को मिला, लेकिन जो राजनीति का एक मुद्दा है, राजनीति का जो एक पहलू है वो और में नहीं देखने को मिला, यहाँ से कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। आगे आइए फ्रेंड्स आराम से पढ़ाएंगे, थोड़ा सा थ्रॉट में प्रॉब्लम है, अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोलूँगी तो फिर अटक जाऊँगी और फिर खांसी आना शुरू हो जाएगी, इसलिए आराम से करेंगे, ठीक है। प्रॉपर सही हो जाएगा फिर सही से करेंगे, बट थोड़ा सा अब रोज़ रोज़ क्लास बंद करना भी नहीं अच्छी बात है ना, क्योंकि कल वैसे भी आपको ऑफ ही हो गया, किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाई कि किसी की भी क्लास ली जाए।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस काल को लोग कबीले बनाकर रहते, इस काल में जो लोग थे वो कबीले बनाकर, वही जो जो कि झोपड़ी टाइप का होता है, बम्बू बांस का, टीने वीने का, कपड़े वपड़े का, वैसे बनाकर रहा करते थे। अर्थात कबीलाई जीवन यहाँ पर, जो कबीले का लोगों का जीवन था, वो सब उसी तरीके से ये व्यतीत करते थे। या कबीला बहुत बड़े समूह हुआ करते थे और इसलिए इसे ही जन कहते थे। जन का मतलब होता है लोग, जन और गण। आपको फ्रेंड्स लोग शब्द मिलेगा तब भी आप समझिएगा, लोग जन और गण ये सब एक ही है, ध्यान रखिएगा, गलत मत हो जाइएगा। इसीलिए कभी कभी आपको मीनिंग के तौर पर, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर चूज करने को भी आ सकता है, तभी इसीलिए मैं बता रही हूँ कि लोग जन और गण ये तीनों शब्द काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतने बड़े कबीले के समूह को चलाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती थी, क्योंकि मतलब एक फैक्टर है राजनीति का हम देख रहे हैं, तो राजनीति में सारे लोग आ रहे हैं, एक परिवार से सबके यहाँ दो तीन चार पाँच 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 अगर लोग हो जाएंगे तभी तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो उन सबको चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई ना कोई उसमें सर्वोपरि होता है, लीडर होता है, नेता होता है, जैसे कोई या कोई बड़ा बुजुर्ग होता है उसी टाइप से। तो इन सबको भी चलाने के लिए एक प्रशासनिक की व्यवस्था की उस समय ज़रूरत महसूस होने लगी कि हम सबके बीचों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो हम लोग को गवर्न करे, बताए क्या करना चाहिए, क्या उचित है, किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस कबीले के समूह में अर्थात जन को चलाने के लिए सबसे बड़ा अधिकारी पद राजन का होता था। यहाँ पर ये बात बहुत ही मेंशन तरीके से बताई गई है कि उस टाइम पे, दैट टाइम ऑफ इंटरवल पे, जो सबसे सर्वोपरि एडमिनिस्ट्रेशन पावर के हिसाब से काफ़ी ऊंचा था, बड़ा था, जो कह सकते हैं कि पावरफुल भी था, तो वो उसका नाम क्या था, राजन। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसे यही नहीं है कि आपको सिर्फ इसी काल का नाम बता के पूछे कि राजन कौन से काल का सबसे बड़ा अधिकारी था, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपको। राजन का नाम, जन का नाम, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपने राजन के बारे में, आपने जन के बारे में हर कालों में सुना होगा, इसीलिए वो चीज़ पूछी जाती है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सामूहिक तौर पर सब जगह आए हों, कोई पर्टिकुलर हो तो बहुत स्पेशल हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे राजा मंत्री तो ऐसा नहीं पूछ सकते ना, अलग अलग रहता है। जैसे हमारे इंडिया में यूनिटरी सिस्टम चलता है, ठीक है, ये बात जानते हैं ना कि प्रधानमंत्री और ये सारे लोग होते हैं, बाहर की कंट्रीज में कहाँ होते, से प्रेसिडेंट रूल लागू, मतलब प्रेसिडेंटियल पावर चलती है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिक्कत की बात है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपको बस देखिए इनके राजनीति जीवन के बारे में आपको क्या पता चला, कुछ नहीं ना, बस इतनी सी जानकारी मिली कि शुरुआत हुई थी और ये लोग का जो रहन सहन था कबीले की तरह था, जैसे कबीले के लोग रहा करते थे, फिर कबीले में कई सारे लोग हुआ करते थे, और उनको चलाने के लिए ये लोग जो है एक राजन बनाया है, मतलब एक प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर राजन को बनाया, जो एक प्रकार से राजा का पद हुआ करता था। ठीक है, फ्रेंड्स पढ़ते चलो आप, सुनो मैं सही बता रही हूँ, आप सिर्फ पढ़ते चलो प्रॉपर तरीके से, देखते चलो कि कोई टॉपिक अगर आ जाता है तो आपको ये ना रहे कि मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, मैं अनअवेयर हूँ, मुझे मालूम नहीं है। इसीलिए इन सारे सारे प्रश्न से पेपर नहीं आता है, 40 ही क्वेश्चन आने हैं और सारे पूरे सिलेबस से मिला के आना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही आए, बट अगर नहीं पढ़ा और आ गया तब दिक्कत होगी। तो कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़नी चलनी है हमको कि हम उसको बना कर भी लिख पाए, क्योंकि सब में सिमिलर है। ठीक है, इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, वरना ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगी तो आपको कम से कम बना के अपने थॉट ऑफ माइंड से तो लिखने के लिए रहे। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। चलिए आइए देखिए क्या है यहाँ पे। सामाजिक जीवन के बारे में, सोशल फैक्टर क्या है इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्व वैदिक काल में समाज के लोगों के पास ज़्यादा आर्थिक संपत्ति नहीं हुआ करती थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उतना कमाने का सोर्स तो था नहीं, इस वजह से संपत्ति की कोई खास ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। इसलिए इस काल के जो समाज रहा है वो समतावादी रहा है। मतलब समतावादी का क्या होता है, इस काल के जो लोग रहे ना, बहुत मतलब बहुत स्टेटस की कोई वैल्यू, जैसे आज के टाइम पर है स्टेटस इंपॉर्टेंट हो गया है, छोटे बच्चे थे तो कोई स्टेटस नहीं था, ग्रेजुएशन किया और बड़े हो गए, क्या करती हो तुम, क्या करते हो तुम, बट किसी के घर जाओ तो दोस्तों यारों को तो टैकल करना इजी रहता है, उनके पेरेंट्स को टैकल करना बड़ा दिक्कत की बात रहती है। सपोज करिए कि कोई अनएम्प्लॉयड है या कुछ और चीज़ें हैं तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि कैसे हैंडल करेंगे, कितना जवाब देंगे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस का बम फोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है अक्सर,
तो यहाँ पर ये समझना है कि जैसे उस टाइम पे था ना, उस समय पैसे थे और ना उस समय कोई इतना भेदभाव हुआ करता था, क्योंकि सब इक्वल थे। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है। कोई वहाँ पे बहुत बड़ा नहीं था, कोई बहुत आर्थिक वाला नहीं था, जैसे कि आजकल के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो सामाजिक जीवन जो था, जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, सबसे बड़ा रुपया ही देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर फिलहाल के लिए, तो उस समय जब ऐसा कुछ नहीं था ना, सब में अंदर प्यार, मानवता, धर्म की चीज़ें और इज्जत और सम्मान, परोपकार, मदद, कुछ ऐसे जो पहलू हैं जो शब्द इतने अच्छे डिक्शनरी में हैं, वो उस समय वाकई में एग्जिस्ट हुआ करते थे। बट आज के टाइम पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो सामाजिक जीवन जो था वो कह सकते हैं कि काफ़ी सौहार्दपूर्ण था, काफ़ी अच्छा था। आपसे प्रश्न अगर बनता है कि पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था, तो आप कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में सामाजिक जीवन जो था वो समतावादी था। आपको ये समतावादी अर्थ ऐसा लिखना होगा, ये मैंने इसीलिए देखो डबल-इंवर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। यही मैंने कहा है कि कुछ चीज़ों को आंसर में से चुराना सीखिए, पैराग्राफ पढ़िए तो उसमें से कुछ निकालना सीखिए कि यहाँ पर क्या ऐसा वर्ड है जो आप अपने आंसर में, ये मत लिखो, आप ये कभी मत लिखो, मैं नहीं कह रही आप अपने तरीके से बना के लिए, लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पर समतावादी मेरे आंसर में लिखा हो, यही आप उससे यहाँ से ले लो, बस यही इतना आपको मेरे से लेना है। बाकी लिखना अपने तरीके से है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्ला 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 नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, आप अपने तरीके से लिखिए, पर ये वर्ड मुझसे ले लीजिए बस, तब आपका काम हो जाएगा। क्लियर, आगे आइए। आइए कुछ चीज़ें और हैं, परंतु इस काल में समाज में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे लोग जानते गए, कृषि किए और पशुपालन किए, तो पैसे आने लगे, कुछ काम होने लगा, व्यवसाय होने लगा, तो वर्ण जो व्यवस्था आज चार वर्गों में बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, बटे हैं कि नहीं बटे हैं, तो उसी तरीके से ये वर्ण व्यवस्था उस टाइम पर बटना शुरू हो गई थी। हमने ऊपर जाना था कि ऋग्वेद में 10वें मंडल ने वर्ण व्यवस्था का, ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था कि जो उसका 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पूरी हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के ऊपर आता है। पूर्व वैदिक काल जो है ऋग्वैदिक काल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। मतलब अगर कोई भी इंसान ऋग्वेद को प्रॉपर तरीके से पढ़ लेता तो उसको पूर्व वैदिक काल के बारे में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी चीज़ें उसमें हैं सब इसी में हुई हैं, ठीक है। आगे आइए, वर्ण व्यवस्था में हमें देखिए पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, ये चार कैटेगरी बढ़ गए हैं जो आज भी चले आ रहे हैं, देखने को मिलते थे। परंतु इस काल में जन्म और जात के आधार पर वर्ण नहीं बांटा गया था, बल्कि कर्म के आधार पर बांटा गया था। जैसे आज के टाइम पर क्या है कि जात के हिसाब से बांट दिया गया है, ब्राह्मण कैटेगरी का अलग इंसान, ठाकुर लोग अलग क्षत्रिय में आ जाएंगे, ये बनिया और उमर वैश्य और भी मोदन वाले लोग जो होते हैं, जो कास्ट के लोग होते हैं, सब वैश्य में आ जाते हैं, शूद्र में और छोटी जात के लोग आ जाते हैं, ST ST वाले। तो आप यहाँ पर देखते हो कि अभी तो जन्म जो है वो जात जो जिसके यहाँ पैदा हो जाता है वो उस हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन उस समय कर्म के हिसाब जो जैसा काम करता था उसको उस कैटेगरी में रख दिया जाता था कि उस कैटेगरी से वो बिलोंग करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये ऐसा सिस्टम है कि वर्ण व्यवस्था किस तरीके से उस टाइम पर डिवाइड की गई थी। आइए आगे चलते हैं। जिन लोगों ने क्लास को नहीं लाइक किया है, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो बिना कहे काम डेली करते हैं, तो जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनसे ये बात कही जा रही है कि बिल्कुल बिल्कुल भी इस चीज़ में हिचकिचाए नहीं, ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स, ठीक है, अदरवाइज़ कुछ नहीं, नहीं मन है मत करो, ठीक है, कोई वो नहीं है, आप आओ पढ़ो, आपका भला हो, मेरे द्वारा आपको कुछ भला हो जाए, दैट्स फाइन फॉर मी। यहाँ पर क्या है, देखिए जो व्यक्ति जिस तरह के कार्य करते थे उनके हिसाब से उनको वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। जैसे कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है तो उनको ब्राह्मण वर्ग, कोई शिक्षा जिसकी अच्छी है या शिक्षा के कार्य में कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण में चला जाता था। अब वो चाहे किसी भी धर्म जाति का रहा हो, जो शक्ति और बल को जो अच्छा खाचा हट्टा कट्टा मुस्तंड टाइप का बंदा है, सब कुछ सही है, मार पिटाई के लिए लगता है कि हाँ प्रोटेक्शन करेगा, हमें रक्षा करेगा, तो वो क्षत्रिय में चला गया था। और जो व्यवसाय थे बनिया लोग कहते हैं जो, तो उनके वो वैश्य में आ गए, और जो समाज के निम्न वर्ग में थे उनको शूद्र वर्ण में रखा गया था, ठीक है, नौकर वगैरह लोग, ठीक है। चलिए आइए, अब आइए आर्थिक फैक्टर देखते हैं, आर्थिक जीवन इनका क्या था। यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। पूर्व वैदिक काल में पैसे का कोई जो एक मेन सोर्स कहा गया है वो था पशुपालन, लोग पशु पालते थे, दूध दही मक्खन, मुर्गा उर्गा भी पालते रहेंगे, मुर्गी वगैरह, ठीक है। कृषि व्यवस्था की व्यापक रूप से ज़्यादातर प्रगति नहीं हो पाई थी, जो फील्ड का काम था, खेती बाड़ी का काम था, वो बहुत ज़्यादा से नहीं हो पाया था, क्योंकि पशु से ही डिपेंड थे, उतना खेती बाड़ी के बारे में जानकारी,
फिर नदी के किनारे बसना, पानी बियाँ लाना, खाद पानी करना, उन सब चीज़ों के बारे में एकदम विख्यात तरीके से उनको मतलब जानकारी नहीं हो पाई थी। आगे आइए, गाय को सबसे पूजनीय और मुख्य पशु मानते थे। ऋग्वेद में गाय बहुत वंदनीय थी, पूजनीय थी, सबसे मुख्य पशु के रूप में गाय को देखा जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया था। ये ध्यान रखिएगा, गाय की हत्या करना पाप माना जाता उस समय भी, गाय से आज गाय को हत्या पाप है, उसी तरीके से गाय को मारना पाप माना जाता था। तो पाप पुण्य क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी उस समय से ही चलती आ रही है और बताया जाता था। पशुओं के बारे में भी मानवता दिखाई जाती थी, सही तरीके से कार्य किया जाता था, समझाया जाता था जो गलतियां लोग करते थे या उन्हें नहीं पता था, ये सारी चीज़ें उस समय भी हुआ करती थी। ये नहीं कि पाप पुण्य के बारे में अभी से ही कोई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पशुपालन में घोड़े का भी बहुत प्रयोग था, घोड़े का काफ़ी इस्तेमाल, क्योंकि आयात निर्यात करते थे सामान का, ठीक है, तो घोड़े से ही लिया जाए, क्योंकि इसका जो है रथ वगैरह भी राजा महाराजा लोग हुआ करते थे उस समय, तो वहाँ पर ये सब रथ में, सेना में, इन सब में घोड़े का भी कार्य हुआ करता था, तो उससे भी पैसे वगैरह अर्न हो जाते थे। आगे आइए, इस काल में मुख्य रूप से पेशा पशुपालन था, अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषि में का थोड़ा बहुत, इतना नहीं था कि इतनी भी जानकारी नहीं थी, लेकिन गेहूँ की जौ जैसी फसलों को ही लिखा है उपजाया जाता था। कृषि बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं थी, मतलब अलग अलग तरह की जो खेती बाड़ी होती है, सब्जी है और भी कुछ है, तो सारे अनाज ये नहीं जानते थे, सारे अनाज के बारे में इनको नहीं पता था, सिर्फ गेहूं और जौ के बारे में इनको पता था। तो ये आपसे प्रश्न बन जाता है कि ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में कौन कौन सी फसलें हुआ करते थे, तो गेहूं और जौ, ऐसा प्रश्न बन जाएगा ऑब्जेक्टिव वाले में, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, चलिए देखते हैं धार्मिक जीवन इनके बारे में क्या है। वैदिक काल को धर्म के आधार पर देखे जाने वाले काल के रूप में देखा जाता है, धर्म के आधार पर इनको माना जाता है, क्योंकि वेदों से जुड़ा हुआ है, वेदों में धर्म के बारे में सब कुछ कहा गया है, तो धर्म का काल इसको कहा जाता था। इसलिए इस काल में धार्मिक जीवन काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए इस टाइम इस काल को धार्मिक जीवन में काफ़ी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि वैदिक काल का जो धर्म था वो धार्मिक प्रधान था, मतलब वैदिक काल मतलब धर्मों का काल, धर्म प्रधान काल, धर्म के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई जाएँ, काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट हो, इस तरीके से वहाँ पर कार्य हुआ करते थे। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ें क्या है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए, पूर्व वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, यहाँ पर कहा जाता है कि जो पूर्व वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस समय लोग प्रकृति को सर्वोपरि मानते थे, प्रकृति सब कुछ था उनके आगे और वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, ठीक है, अर्थात प्रकृति पूजक थे, मतलब ऋग्वैदिक काल के लोग या पूर्व वैदिक काल के लोग प्रकृति पूजक थे, ठीक है, और प्रकृति से जुड़े बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। इस काल के लोग बहुदेववादी और बहुत सारे देवताओं की लोग पूजा करते, देवी देवता की पूजा करना, आराधना करना कौन था कैसे था इनके बारे में इनको जानकारी थी, और ये पूजा अर्चना का जो कार्य होता था विधि विधान से करते थे, क्योंकि वेदों का काल है, वैदिक काल है, और ऋषि मुनियों का काल भी कह सकते हैं एक प्रकार से, तो वेद से ऋषि मुनि, धर्म, पूजा पाठ, यही सब चीज़ें रहती थी, तो ये सारा कार्य वहाँ पर काफ़ी विख्यात तरीके से हुआ करता था। क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आज की इस क्लास में यहाँ पर पूर्व वैदिक काल के बारे में पूरी अपडेट बता दी है। एनी प्रॉब्लम एनी वन, आप फटाफट पहले देखो कि क्या पढ़ाया, फिर उसके बाद नीचे वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म करें, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। मैंने आज आपको पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया, पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो पूरा क्लियर बताया कि क्या क्या था, क्या होता था। फिर मैंने आपको राजनीतिक फैक्टर के बारे में बताया था कि ये लोग कैसे थे, कैसे शुरुआत हुई थी, कबीलों की तरह रहते थे, इनमें एक राजा हुआ करता था। फिर सामाजिक जीवन बताया, समतावादी था इनका पूरा जीवन, कोई भेदभाव वगैरह नहीं हुआ करता था। उसके बाद चार वर्णों में बढ़ गया था वो बताया। आर्थिक जीवन इनका पशुपालन था, कृषि के बारे में उतनी ज़्यादा इनको जानकारी नहीं थी, कोई खास बड़ा कार्य नहीं कर पाते थे। आगे आइए, नहीं मतलब उतना विख्यात है। धार्मिक जीवन भी इनका अच्छा था, ये खास पूजा पद्धति में रहते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति पुजारी थे, प्रकृति के फिर बहुत सारे देवताएं हैं उनकी पूजा करते थे, काफ़ी कुछ देखने को मिला है इनके धार्मिक जीवन में। अब आइए मैं आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है, बहुत एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है इसकी भी उम्मीद है, क्योंकि पूर्व वैदिक काल ज़्यादा फेमस है और जो चीज़ें विख्यात हैं उनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इनका जो टाइम पीरियड है यही इंपॉर्टेंट है। आपको ये अति लघुतरी में एक नंबर को भी आ सकता है और लिख वो ऑब्जेक्टिव टिक वाले में MCQs में भी ये आ सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलेगा ये भी आपको बताती चल रही हूँ कि ये प्रश्न किस टाइप का है और कहाँ पर इसको मिलने के आपके साथ चांसेस ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बता दी कि उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीज़ें आपको देखने को ज़्यादा मिल सकती हैं। आगे आइए, अब इनके भी राजनीतिक फैक्टर्स के बारे में मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि इनसे प्रश्न बनता नहीं है, तो मैंने कहा जो भी चीज़ें हैं वो बता देते हैं आपको। देखे गया है राजनीतिक जीवन क्या था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने ऊपर पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल में कबीले बनकर रहते, मतलब कबीला बनाकर रहते थे, ठीक है, कबीले को जन कहा जाता था,
और फिर उस समय उत्तर वैदिक काल में जन का आकार बड़ा हो गया था। अब हुआ क्या कि जो उस समय से चलता आ रहा था वही उत्तर वैदिक काल में जो चीज़ों के बारे में जानकारी उनको नहीं हुआ करती थी या जन में उस समय कम ही लोग थे, अब वो बड़ा हो गया था और विशाल हो गया, तब वो जाके उत्तर वैदिक काल में वही जनपद बन गया। जब वो पूर्व वैदिक काल में था तब वो जन कहा जाता था, जन के नाम से जाना जाता था, जन कहा। अब वो जब उत्तर वैदिक काल में आया तो वो जनपद बन गया। ठीक है, क्या बन गया? जनपद बन गया। देखिए, पहले परिवार, फिर ग्राम, फिर वेश, फिर जन, फिर जनपद, ये पूरी श्रृंखला चली। ये फिलहाल नहीं आएगी लेकिन थोड़ा जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ साथ वैदिक काल के अंतिम चरण तक महाजनपदों का, फिर जब वैदिक काल का लास्ट चरण चलता रहा और वैदिक काल ये हुआ कि अब ख़त्म होने वाला है एक प्रकार से, तो आप उसमें ये चीज़ कह सकते हैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा कि महाजनपद में वो चेंज हो गए, और जैसे बहुत सारे जनपद मिलकर एक महाजनपद, क्योंकि एक जनपद 5 जनपद 6 10 जनपद को मिलाकर एक महाजनपद बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे छोटे 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 गाँव के हिस्से के लोग मिलकर जब जनपद बन गए तो ढेर सारे जनपद मिलाकर महाजनपद में चेंज हो गए। जब वैदिक काल का मतलब कह सकते हैं कि अंतिम पड़ाव चल रहा था, एकदम अंतिम समाप्ति का काल था तब। आगे आइए कुछ प्रश्न। आप फ्रेंड्स, इतना ही आपको जानना है क्योंकि इतना ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें पूर्व वैदिक काल में कम थी, जिनकी जानकारी पूर्व वैदिक काल में नहीं थी या जान रहे थे या शुरुआत थे, उत्तर वैदिक काल में वही चीज़ प्रगाढ़ रूप में हो गई, बड़ी हो गई, विशाल हो गई, लोगों को उनके बारे में जानकारी हो गई और वो उस पर कार्य पद्धति में लग गए और उस पर वो कार्य करने लगे। बस यही इतना फर्क है दोनों के कालों में। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा तबीयत ना खराब होने पर, वरना क्योंकि मेरी 4-5 दिन से सब इधर चल रही है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है यहाँ पर, वैदिक काल की शुरुआत कब हुई, एक प्रश्न बनेगा। आप उत्तर लिखेंगे 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का जन्म भारत में हुआ था। यह काल पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित, बस इतना ही लिखना है एक नंबर के प्रश्न में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी दिखाया, उत्तर भी दिखाया कि आपको कितना लिखना है और क्या लिखना है। प्रश्न मैंने किया था कि वैदिक काल की शुरुआत कब हुई, तो 1500 ईसा पूर्व बहुविकल्पी प्रश्न बन जाएगा। ईसा पूर्व 1500 टिक करने के लिए, लिखने के लिए कि वैदिक सभ्यता का जन्म भारत में होता है इतने टाइम पर और इसको वेदों पर आधारित था। आगे आइए, वैदिक काल का समय कब से कब तक, तो वैदिक सभ्यता में वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि वैदिक काल में दोनों काल आ जाएंगे। ठीक है, तो 1500 शुरुआत हुई थी, 600 पेंड हो रहा है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, परंतु इसको हम दो भागों में बांट चुके हैं, आप जान ही रहे हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 है, दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, वैदिक काल से आप क्या समझते हैं, जो काल पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित था, वेदों पर डिपेंड था, वेद ही सब कुछ थे, वेद से ही जाना गया है, जिस काल में वेदों की रचना हुई थी, ऐसा काल जिसमें वेदों को रचना हुई थी, वेदों का निर्माण, वेदों को बनाया गया है, उस वैदिक काल को हम वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। क्लियर, आगे आइए, वेद किसने लिखा है, तो वेद के संकलनकर्ता के रूप में कृष्ण देव पर्यापन वेदव्यास। वेदव्यास का नाम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कौन ऋग्वेद कौन लिखा है और यजुर्वेद कौन लिखा है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है। तो यहाँ पर है कि वेद किसने लिखा है, तो वेदव्यास ने। ठीक है, जिन्होंने वेद की रचना के साथ एक साथ को एक के बाद, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए क्या है कि वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, और रचनाओं के साथ इसको जोड़ा गया है, वेद में धर्म से जुड़े बिंदुओं पर वर्णन मिलता है। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वैदिक युग के प्रमुख देवता का नाम बताइए, तो उनके जो मेन देवता है वो इंद्र, क्योंकि प्रकृति से जुड़े थे, क्योंकि थोड़ी बड़ी खेती बाड़ी करते थे तो बारिश नहीं होती थी, तो भगवान इंद्र को ही पूजते थे लोग। इस काल में सबसे प्रमुख देवता का जो वर्णन है वो इंद्र है। इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था, पुरंदर क्योंकि अर्थात किला तोड़ने वाला। इन्होंने विजय पताका के रूप में, शक्तिशाली देवता के रूप में देखा जाता है इंद्र भगवान को। और इसके साथ ही साथ ऋग्वेद में इंद्र के संबंध में 250 श्लोक भी देखने को मिलते हैं, जिससे यह कहा जाता है कि इस काल का जो है देवता मतलब इंद्र भगवान उस समय ज़्यादा पूजनीय वंदनीय हुआ करते थे। वैदिक काल में आर्य कौन थे, वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्य लोगों को देखा गया। अगर वैदिक सभ्यता कैसे बनी, कौन बनाया, तो आर्यों का नाम ज़्यादा आता है और आपको ये आर्यों के बारे में टिक करने को भी आएगा बहुविकल्पी में, ध्यान रखिएगा। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। फ्रेश, ध्यान से दोस्तों, बहुत ध्यान से, मैं बहुत जोर दे के नहीं बोल पाऊंगी, मैं अच्छे से बताती हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि बीच बीच में कॉन्टिन्यूस बोलने से खांसी बहुत बढ़ जा रही है।
यहाँ पर आर्यों का जो ये शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है, इसका भी प्रश्न बनेगा, और इसका क्या अर्थ है, ये जो श्रेष्ठ वाला अर्थ है इसका भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने ले लिया है कि प्रश्न में बता दूं कि लिखने को आएगा दो नंबर में तो आप ऐसे लिखोगे, और बहुविकल्पी उस पैराग्राफ में से क्या क्या आएगा, यही मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप पैराग्राफ से प्रश्न खुद बनाना सीखो। तो ये आर्य जो है वो एक संस्कृत का शब्द है, पहला बहुविकल्पी, इसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता कोई जातिगत रूप से नहीं बल्कि भाषा के रूप में है, श्रेष्ठ लोग जो लोग श्रेष्ठ हैं उन्हें अपने आप आर्य कहते थे, और आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना की है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स, ओवर करते हैं क्लास को। यहाँ पर ये 25 मिनट की क्लास हो गई है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं है क्योंकि बीच बीच में मुझे रुकना पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत कंटिन्यू नहीं करूँगी। सेकेंड वालों का एग्ज़ाम है लेकिन इस समय सब खराब चल रहा है फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं, जैसा भी हो पाएगा हम आपको जितनी कोशिश हो पाएगी उतनी क्लासेस देने की कोशिश करेंगे। एक दो दिन है कुछ वक्त, एक बार ठीक हो जाते हैं फिर करेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, दिक्कतें थोड़ी बहुत हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। टेलीग्राम से ज्वाइन रहिएगा, टाइम इंटरवल में देख लीजिएगा, और फिर अगर नहीं हो पाती क्लासेस तो जो आप लोग थोड़ा सा क्लासेस को फिर देख लीजिए, कुछ चीज़ें आपकी जो नहीं क्लियर है रिवीजन हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया अभी तक लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरी वन, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।